बहुत अमेजिंग है ना, अक्सर हमें पता होता है हम गलत हैं, हम कुछ गलत कर रहे हैं, एक अंदर से आवाज़ आती है नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, बट हम ट्राई करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि हम उस चीज़ को ठीक कर सकें। हम जानते होते हैं कि उस इंसान ने, उस कश्ती ने, उस ट्रेन ने छूटना है, बट कहीं ना कहीं हम उसको पकड़ने की, उसको रोकने की हम पूरी कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ बदल जाएगी हमारी कोशिश से। बार वो कोशिश हमें हर्ट कर देती है, एक बार छोड़ के तो देखो, एक बार अपने लिए तो जी के देखो, हो सकता है चीज़ें अपने आप वक्त बदल दें। आज मेरी डेस्टिनेशन गाइस चेंज हो चुकी है। सो गाइस दैट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, ये उबला हुआ अंडा है यहाँ मेरे सामने, यहाँ पे जो है ये मटर है, ये छोले हैं वाइट वाले, ये सांभर है, दिस इज उपमा, एंड इसके आगे ये जो है मेरे सामने ये क्या है, मतलब बटूरा, अच्छा बटूरा है गाइस, और ये यहाँ का लोकल है जो डोसे से बनता है, वेज से उसी से ये बना हुआ है, एंड उसके अलावा द बेसिक ब्रेकफास्ट इज ऑल देयर। गाइस यहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज है जो आप मेरे सामने देख रहे हो। ओह माय गॉड द टी वेल इज ऑल्सो देयर, द लव शोर, ओहो द लव शोर, द स्ट्रो मैन, मून हिल, वाह। फिलहाल मैं जा रही स्विमिंग पूल की तरफ, क्योंकि इनका पूल, ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पूल की वजह से फेमस है, सो आई एम गोना जंप ऑन द इन द पूल, अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी तो बहुत ही मौसम ऐसा हो रखा है, वेदर विल बी चेंजिंग लाइक 12 एक बजे करीब, सो स्विमिंग पूल की टाइमिंग है 7 to 7 आवर्स, ओके। एंड दिस इज द पूल ऑफ दिस प्लेस, नाइस। अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, सो इट्स नॉट मच डीप, वी कैन गो देयर। दिस इज द चिल्ड्रन पार्क ऑफ दिस प्लेस, बच्चों को खेलने की जगह। और आज सुबह से ही क्या, रात से ही मौसम में ना हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मेरे सामने ये अमरूद का पेड़ है, एग्जैक्टली वाला, इसमें अमरूद भी दिख रहे हैं। सो दैट्स सिमोन हिल, 542 इज माई रूम नंबर, सो दैट्स इज रूम। चेक द बेडरूम, द टीवी, एंड वो दैट इज एक्चुअली ऑसम। सो आगे चलते हैं। सो भैया हम यहाँ पे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, रूम में अलाउ है रूम में ऑर्डर करना। ये क्या है, स्मॉल वॉशरूम, अच्छा। सो बेसिकली ये रूम आपको कॉस्ट करेगा 7000 प्लस GST, और सबसे बेस्ट चीज़ इस रूम में, मतलब यू हैव टू वॉशरूम्स, और अगर मैं जा रही हूँ इस वक्त जो एरिया है व्यू पॉइंट का, तो यहाँ से आप अगर ये खिड़की खोलोगे तो सामून हिल का व्यू है, जिसके लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हो, मगर इस मौसम में ट्रैकिंग नहीं क्योंकि ये बारिश का मौसम था। सो अराउंड आपका 4 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, जहाँ पे आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते क्योंकि पैर में ना लीच चढ़ जाती है। सो मैं जंप करने वाली हूँ स्विमिंग पूल के अंदर, और मैं रेडी हूँ कूदने के लिए, एंड आई एम सो एक्साइटेड, वन वे और अनदर, आई एम गोना गाइड यू, मैं लिरिक्स भूल गई हूँ। आपको व्यू से प्यार हो जाएगा, मेरे सामने बिल्कुल टी गार्डन का व्यू है। अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी जो रुक चुकी है, अभी मेरा हाथ ठीक नहीं हुआ गाइस, स्वेलिंग बहुत है, पर मैं फिर भी स्विमिंग पूल में खुद चुकी हूँ, पानी हल्का ठंडा है, इट्स नॉट नॉर्मल, मतलब बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, मेरे लिए हल्की ठंड है, और जगह बहुत ही प्यारी है यार। मैं रुकी हूँ फ्लैटे के साथ, फ्लैटे रिजॉर्ट्स के साथ, मैं आपको जगह ज़रूर मेंशन करूँगी, और मेरा आज आखिरी दिन है यहाँ वैगमन में, तो अगर आप मुझे देख रहे हो तो वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ज़रा इस तरफ देखो, मतलब पूरा फोगी एरिया है, इस तरफ लेना कैमरा, इस तरफ पूरा फोगी एरिया है,
एंड मेरे सामने मतलब यहाँ पे ना टी फार्मिंग थोड़ी कम है। ये जगह 1942 में बनी थी और ये फॉरनर्स के टाइम की जगह है एक तरह से, मतलब 1942 में यहाँ पे मोस्टली फॉरनर्स रहते थे। सो यहाँ पे ये जो रिजॉर्ट है ये 2017 के आसपास का बना हुआ रिजॉर्ट है, और मैं आपको रिजॉर्ट के बारे में बताऊँगी जिसमें मैं रुकी हूँ ऑब्वियसली। तो आप ये इमेजिन करो कि यहाँ पे पूरे साल ना मतलब नॉर्मल मौसम रहता है, ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि यहाँ पे दो फॉरेस्ट की हवा आ रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुनार से ज़्यादा सब यहाँ पर टूरिस्ट आता है, क्योंकि कोचीन से ये जगह मुश्किल से 3.5 घंटा या 4 घंटे की दूरी पर है, और कोची से भी ये जगह बहुत पास है, बाकी जगहों से भी ये जगह बहुत पास है, तो लोग यहाँ ज़्यादा आना प्रेफर करते हैं। और बेसिकली 365 डेज मतलब फॉगी मौसम रहना, ठीक है, और 4 महीने पैराग्लाइडिंग भी होती है यहाँ पे, और आगे पैराग्लाइडिंग बहुत अच्छी मानी जाती है, बट 4 महीने ये जगह बंद मतलब बिल्कुल पैराग्लाइडिंग से बंद होती है, वो होते हैं जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि वो मानसून सीजन होता है जैसे कि अभी। सो गाइस ऑलरेडी डन विद द स्विमिंग, एंड मतलब मेरे को तो स्विमिंग आती नहीं है, मुझे पानी इतना मतलब डर लगता है ना मुझे पानी से। एक पानी लाल मैं जा रही हूँ अपने रूम में वापस, आई एम गोना गो टू द बाथटब एंड आई नीड अ हॉट बाथटब। सो यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज़ पता क्या है, 24/7 गर्म पानी, नाइस ना। सो गाइस बारिश और भी तेज़ हो चुकी है, पता है और भी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है पहले से। अच्छा मैं पहले स्विमिंग पूल में खुद आई थी, और यहाँ पे 1 बजे का चेक इन है वैसे पता है, अगर आप चेक इन करो तो 1 बजे के बाद से चेक इन करने के। यार मैं साइकिलिंग करना चाहती थी यहाँ पे ना, जिस प्रॉपर्टी के साथ मैं रुकी हूँ यहाँ पे साइकिलिंग भी है, बट बारिश ही नहीं रुक रही, क्या करूँ जब से मैं आई हूँ। मेरा व्यू बहुत प्यारा है ना यार प्रॉपर्टी का, आई एग्री ये व्यू बहुत ही प्यारा है, बट बारिश तो रुके तभी तो मैं कुछ करूँगी। बारिश रुक जा यार, रेड अलर्ट आया हुआ पता गूगल पे, यहाँ पे कह रहे हैं ये बहुत छोटी सी ही बारिश है, बहुत लिटिल बिट बारिश है, ये लिटिल बिट बारिश है, ये लिटिल बिट है, अरे यहाँ पे इतने भी खतरनाक होती है। ओके ये यहाँ का मेन्यू है, सो दे हैव द ऑल काइंड ऑफ फूड और नॉन वेज भी अवेलेबल है इनके पास, और उसके अलावा मैंने ऑर्डर किया हुआ है आपका मिक्स सब्जी सैलेड जो मैं खा चुकी हूँ थोड़ा बहुत, और मैं सुबह से सिर्फ और सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रही थी जस्ट बिकॉज बाहर मौसम बहुत ख़राब है और एडिटिंग कर रही थी नेटफ्लिक्स के साथ साथ। हाँ एक आज यही दिन रह गया था, मैं तो अपना कमरा मतलब मैंने ये जगह पूरी फैला दी, मैंने अपनी डायरी यही रख के फैला रखी है। सो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है मेरा, आज प्लाटे के साथ मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, मैं कल कहीं जा नहीं पाई क्योंकि बारिश हो रही थी, मैं कल माउंटेंस देखने थे ब्यूटीफुल हिल्स देखने थे, मतलब कल मुझे आगे नज़ारा देखना था, मैं कहीं जा नहीं पाई, और मैं आज कहीं और निकल जाऊँगी क्योंकि मैं इनके साथ ऑलरेडी 2 दिन का था, बट आई प्लान कि मैं एक ही दिन रुकूं बिकॉज मुझे 9 तारीख तक घर भी पहुंचना है, मुझे बहुत काम आ गया है। तो मैं जा रही हूँ सिर्फ ब्रेकफास्ट करने जो कि रिसेप्शन के साइड में है, जो कि बफे सिस्टम में लगता है, एंड उस तरफ पार्किंग है, तो आई पार्क माई कार दैट साइड, और मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। सो ये इनका अदर कैटेगरी का रूम था जो मैंने कवर करा, और ये रूम भी बहुत प्यारा था, फैमिली काइंड ऑफ रूम। मैं रुकी थी हनीमून स्वीट में, सॉरी हनीमून स्वीट में। सो जो ये रूम था ना, ये रूम भी विद ऑल द फैसिलिटीज़ अमेजिंग व्यू। सो प्रॉपर्टी जिसके साथ मैं रुकी हूँ प्लाटे के साथ, पाल्टे के साथ, सो उनके ड्यूलेक्स सुपर ड्यूलेक्स प्रीमियम क्लासिक सूट हनीमून सूट है, और ये वाले प्राइजेस की कैटेगरी, अगर आप इनके प्राइजेस देखना चाहते हैं तो यू कैन गेट ऑनलाइन एज वेल द प्राइस, एंड यू कैन जस्ट गो ऑन दिस वेबसाइट ऑल्सो। एंड उसके अलावा आई एम गोना एक्सप्लोर थोड़ी सी प्लेसेस, देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं। सो आई एम स्टेइंग विद द प्लाटे एंड इट्स ऑल लिटिल फॉगी हेयर, मतलब यहाँ पर सबसे फेमस ये जगह फोग के लिए, इट्स नॉट लिटिल फॉगी, इट्स वेरी मच वे अवे देन फॉगी, आई थिंक दैट्स द हाउस, कितना सही है ना, कितने लकी हैं लोग। और जब मैं जा रही हूँ यहाँ पे ट्री प्लांटेशन है, ऑल्दो यहाँ पे साइकिल अवेलेबल है, अगर आप इनके साथ स्टे कर रहे हो तो विल प्रोवाइड इज अ साइकिल एंड विदाउट एनी कॉस्ट, सो आप यहाँ जा सकते हो ट्री प्लांटेशन देख सकते हो, ये पूरी ट्री प्लांटेशन एरिया है,
बड़ा भी मिस की वजह से कुछ नहीं दिख रहा। कहते हैं जब 1942 में फॉरनर्स आए थे यहाँ पे, अंग्रेज आए थे, उनका मेन प्लान था कि मुनार से पहले, मतलब मुनार तब तक ऐसा टी प्लांटेशन में नहीं गया था, बट इस जगह को, वैगामोन को उन्होंने पूरा कन्वर्ट करना था टी प्लांटेशन में, बट इस जगह मोर रिजॉर्ट्स में चली गई। तो गाइस सर बता रहे हैं जो मून हिल है वहाँ पे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉग है ना इस वक्त मिस्ट एरिया, तो उस जगह पर है एंड दैट इज़ अ ट्रैकिंग एरिया। सो वैसे मतलब मोस्टली लोग आप बोल रहे हो फॉग देखने आते हैं, मिस देखने आते हैं, बट फॉग ओनली कौन से दो मुझे वो बताए थे that forest are around? Which two forest you told me? Yeah, that is one is actually Idukki forest, other one is actually Sabarimala forest actually, which okay. is we are in between that. Okay. We are getting the wind from both of the sides actually, which makes this area cooler. All right, okay. पता है मैं इस वक्त गाड़ी में बैठी हूँ ना, मुझे अभी भी मतलब इतनी प्यारी हवा आ रही है और हल्की हल्की बारिश की बूंदें आ रही हूँ। खैर मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी मानसून सीज़न है। और पता है मेरे थोड़ी सी आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे मेडो व्यू भी है। पूल पे बैठो ना जाके तो इतना सुकून मिलता है ना, बट अभी बारिश है, थोड़ा सा बारिश ने काम खराब करा हुआ, नहीं तो ये जगह बहुत प्यारी है। मेरा हाथ पहले से बेटर है, राहत पहले से बहुत बेटर है गाइस। वेल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू विद द नेक्स्ट व्लॉग डे आफ्टर टुमारो।